मेल फीमेल एक ही जगह पर छोड़ने का हमने तय किया, मीटिंग में थे और उनका सहयोग जब हो रहा था तब हम उसका शूट लेना चाहते थे, लेकिन शाम का वक्त था और निर्भर जी अकेले थे और बाद में उनको आराम से लेके आना पड़ा, तो उनका एंजॉयमेंट है रियल में तो उसमें हमने बाधा डाला, ऐसा होता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें करनी पड़ती है लोगों के लिए, एक तो उनको खेत में पकड़ना ज़रूरी नहीं है, एक तो लोग मारेंगे उनको पता भी नहीं था एक दो है यहाँ पर, और सांपों की सच्चाई छुपा नहीं सकते और उससे हम क्या सीखते वो ज़रूरी है। जैसे कि सांप इतना खतरनाक है, अपने आस पड़ोस में खेती में घर के बाजू में ज़िंदगी निकाल चुका है, तो पहले कुछ नहीं किया है तो अब क्या करेगा, ऐसा नहीं लोग सोचेंगे, तो अब क्या होगा, ऐसा ही होगा या ऐसा सोचते हैं। तो अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन हम जो निगेटिव सोचते हैं कि काटने ही वाला है मारने ही वाला है तो पहले क्या किया है ये भी सोचने जैसा है। अभी मैं वही बात दोहराऊँगा, सांप निर्दल छोड़ेंगे, देख सकते हैं ये मादा है, मेल से वैसे भी उसके स्वभाव पर काफ़ी डिपेंड है, लेकिन मेल से फीमेल शांत और ये कुछ ज़्यादा ही शांत है, उससे ये बड़ा है और जिस तरह से इसको अभी देखो कितने नज़दीक है। सांप छोड़ना मैंने जैसे ही बोला है कि सांप छोड़ना आसान है, उसको पकड़ना मुश्किल है, छोड़ना आसान है। बहुत ही सुंदर सांप, थोड़ा सा आवाज़ कुदरत को सूंघने का ये कर रहा है, हमें आस पड़ोस में हूँ तो उसको खतरे का आवाज़ हो रहा है, कुछ ही देर में एक्शन लेगा, थोड़ा सा डर रहा है, हम हिलते तो जाने का कि नहीं, वो सोचता रहता है और सांप ज़्यादा सोचता नहीं, हो आया उसका मेमोरी पर इतना नहीं, अभी उस वक्त क्या हो रहा है उतना ही, जन्मजात जितना स्वभाव है उसका उतना ही सोच पाता है, उससे ज़्यादा नहीं सोच पाता है। सर अभी इस जाति में मेल और फीमेल कौन सा ज़्यादा गुस्से वाला सांप रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, उसके स्वभाव पर काफ़ी डिपेंड रहता है, लेकिन ये इसमें अभी मेल और फीमेल है, वो मेल थोड़ा सा गुस्से वाला, ये फीमेल तो बहुत ही शांत थी और जिस दिन उन्होंने पकड़ा वो ज़्यादा ही ये लग रही थी। और मेटिंग सीजन का अलग एक हमें वीडियो बनाना है जिसमें आप डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अक्टूबर से लगभग जनवरी तक मेटिंग सीजन होता है, उसके बाद अप्रैल के बाद ये सांप बच्चे डालता है और अभी ये एक्शन लेगा, थोड़ा सा उसको खतरा लग रहा है। हम देखो कितने नज़दीक है, क्या इसमें क्या लेक्चर देने की बात है, आप देख सकते हैं नाक से भी खतरनाक सांप, जहरीला सांप हमारे पड़ोस में है और हमसे दूर जाना चाहता है, इतना नज़दीक होने के बाद भी हमें वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे आके क्या करेंगे, हमें वो सोचना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो आनंद जी कितने नज़दीक है वहाँ पे, लेकिन उनको कुछ नहीं कर रहे साहब। मैं इतने नज़दीक हूँ और लगभग एक फीट की दूरी से मुझसे जा रहा है, आपको ये बात मैं दोहराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सांप हमें कितना पहचानता है इतना नज़दीक होने के बावजूद भी, आपको ये समझ लेना ज़रूरी है और अपने कुदरत के हवाले करने के बाद कुदरत की ओर वो यहाँ से जा रहा है। तो अभी प्रशांत जी के पांव के नज़दीक था, वो हिला तो उसको आभास हुआ खतरे का और वो वहाँ से अभी जोर से निकल पड़ रहा है। इसी तरह के सांप आप देखते रहेंगे, ये सफ़र जारी है और आपको तय करना है सांप कितना खतरनाक है क्या है, इतने नज़दीक होने के बाद वो किस तरह से जाते हैं। आप जब सांपों के नज़दीक है तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी बातें होती रहती, तो आप भागने लगते तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सोच सकते ज़रूर कि ऐसा आपको नेचुरली है, ऐसा अगर है तो अपनी ज़िंदगी में ये बात रख कर, आप कभी सांप के सामने तो आप खुद ठहर कर देखिए कि वो क्या करता है, हम देखते नहीं है। बहुत सारी बात सवाल जो है उसके जवाब अपने पास है, आपको परखना जांचना ज़रूरी है, तभी सांप हमारे मित्र बन सकते हैं। धन्यवाद।